दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं यहां पे जहां पे बन रहा है खोया और मावा, यानी खोया को या मावा को। दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आज यहां पे, जो अभी फरका देख रहे हैं काला पन्नी छाया हुआ है, यहां पे बनता है खोया यानी खोया इत्याद मावा समझ कहते हैं, चाहे उसको खोया कहो या कोई मावा को। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप लोग देखिए और मैं इनसे पूछूँगा आज, यानी आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यानी डेयरी फार्म वालों के लिए बहुत ही आवश्यक ज़रूरी है, जो डेयरी फार्म किए हैं भैंस और गाय का, दूध सेल परचेस करते हैं, आज वो भी कुछ जानकारी उनको मिल जाएगी हमारे द्वारा, यानी जो किसान भाई है, जो जो खो वाले भाई हैं, आपको कुछ जानकारी भी देंगे। मैं आपको इनसे मुलाकात कराता हूँ, आप देखिए। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर, यहाँ पर बन रहा है खोए का काम चालू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रखा हुआ है मावा, ये आप देख सकते हैं, यानी बहुत ही शुद्ध खोया बना हुआ है यहाँ पे, ना कोई मिलावट ना कुछ भी, यानी वो डायरेक्ट दूध है, जो भैंस का दूध होता है, गाय का दूध होता है, उसी का ये बना हुआ है खोया, इसको आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे जो बनता है खोया, ये देखिए यहाँ पर काम चालू है खोया का, देखिए इसको भी आप देख सकते हैं, एकदम तैयार हो चुका है ये खोवा यानी मावा। वहाँ पे जो दूध भी रखा हुआ है, इसी का खोया बनता है, इसको भी आप देख सकते हैं, जो दूध यहाँ भी रखा हुआ है 20 लीटर, और 20 लीटर इसमें भी रखा हुआ है, इसको भी आपको खोल के दिखा रहा हूँ, इसको भी आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं अभी जो खोया के मालिक हैं, अभी उनसे मैं कुछ बातचीत करने जा रहा हूँ, कुछ आपको यहाँ की जानकारी मैं दूँगा यहाँ का, इसको आपको यानी बहुत ही जानकारी मिलेगी खोया के बारे में, आप लोग खोया बना के कुछ जानकारी पा सकते हैं, आप भी कर सकते हैं इन्हीं के द्वारा। ये देखिए यहाँ भी खोवा, ये गाय का खोवा है, क्यों भाई ये किसका खोवा ये है? गाय का खोवा है, ये गाय का खोवा ये है, इसको भी आप देख सकते हैं, ये बता रहे हैं कि ये जो गाय का दूध होता है पीला होता है, इसलिए ये खोवा पीला है, इसको भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कोयले से काम चालू है, हाँ देखिए आप यहाँ पे जो भट्टी द्वारा काम चालू है यहाँ पे है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे गाड़ी यानी यहाँ पे गैस सिलेंडर यूज नहीं होता यहाँ पे, यानी यहाँ पे भट्टियों से यानी जो कोयला होता है, भट्टी का कोयला यानी भट्टा में से निकल कर जो आता है कोयला, वही यहाँ पे यूज होता है। देखिए ये खोया के मालिक हैं भाई साहब, नमस्कार। देखिए दोस्तों यहाँ पे खोया के मालिक, इनसे मैं कुछ जानकारी लेने जा रहा हूँ। भाई जी आप ये बताइए कि आप एक घर में कितना दूध डालते हैं? 4 से 5 किलो डाल सकते हैं। 4 से 5 किलो घर में डाल सकते हैं जी। यानी इसमें कितना खोया निकल जाता है? 4 किलो दूध डालेंगे तो 1 किलो खोया निकलेगा, प्योर दूध है तो। अगर प्योर दूध है तो 1 किलो खोया निकलेगा जी। अच्छा अच्छा, और गाय को कितना निकलता है? गाय वाले में दूध में, गाय वाले दूध में मुश्किल से वही यानी 700-800 ग्राम ऐसे निकलता है, ऐसे ही निकलता है यानी दूध प्योर है तो। अच्छा, ये घान खोया चलाने में भट्टी द्वारा जी कितना समय लगता है इसमें? कम से कम 25 से 30 मिनट। 25 से 30 मिनट जी, यानी कोयले के द्वारा? कोयले से। अच्छा, अभी जो आप दूध कितना दूध पड़ा है उसमें? इसमें 4 किलो दूध पड़ा हुआ है। इसमें 4 किलो दूध पड़ा हुआ है, जरा इसको दिखाइए, चला के दिखाइए। खोल रहा है अभी, यानी इसको लगातार खोया चलाना पड़ता है? चलाना पड़ता है, हाँ लगातार चलाना पड़ता है, जब घर आ जाता है बीच बीच में रुक के भी चला सकते हैं जब खोलता हो। अच्छा, यानी जब दूध पकने लगे, ठीक है, तो यानी इसको यानी आप आराम कर सकते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलाना बंद कर सकते हैं यानी जब इसका टाइम आ जाए तो? घर आ जाए तो उसको लगातार चलाना पड़ेगा सर, लगातार इसको यानी हाथ बंद नहीं रहना चाहिए। हाँ। यानी खोवा चलता ही रहे? खोवा चलता ही रहे। जी 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 जी। तो भाई जी आप ये बताइए, जैसे कि आपके पास 4 भट्टी है जी, यानी चारों में काम चालू रहता है हमेशा, यानी आपके यहाँ पर जाए कितना खोवा चल जाता है आपके यहाँ? 30 किलो चल जाता है। 30 किलो, यानी आपके पास कितने पशु हैं? पशु तो नहीं है, दूध लाना पड़ता है सर। पशु आपके पास नहीं है, यानी दूध सब ग्राहक लोग लाते हैं, यानी कस्टमर लोग आपके पास दूध लेकर आते हैं जी? जी जी, आप बात सही कह रहे हैं। यानी आपके यहाँ दूध क्या रेट चल रहा है इसमें? हमारा 30 रुपये में दूध चल रहा है भैंस का। भैंस का यानी आप खोए पे लेते हैं? खोए पे। और गाय का? गाय का 28 में खोए, यानी गाय का आप 28 रुपये किलो जी दूध लेते हैं, यानी 28 रुपये लीटर यानी खोए पे लेते हैं आप, यानी 250 ग्राम खोया निकलेगा एक, हाँ, तो उनको आप 28 रुपये उनको देंगे जी। जी जी, आप सही कह रहे हैं। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पानी नहीं चल पाता है भाई, यहाँ पे डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि खाली बस यानी पानी जल जाता है, तो ये मालिक हैं
जो रुपया देते हैं यानी पानी यहाँ पे नहीं चल पाता है। अच्छा आपके यहाँ खोया क्या रेट, क्या रेट चल रहा है इसमें? इसमें 250 रुपये चल रहा है। 250 रुपये किलो चल रहा है, यानी आपका जैसे कि आप बनाते हैं खोया, यानी कितना भर्ती लग जाता है एक किलो खोया बनाने में? एक किलो खोया बनाने में कम से कम 180 रुपये भर्ती पकड़ लेते हैं। यानी 180 रुपये भर्ती पकड़ता है जी। यानी दूध खोया से दूध मिला के कोयला मिला के मेहनत आना सब जोड़ जाड़ के, यानी आपके यहाँ खोया चल रहा है 250 रुपये किलो, यानी आपका 70 रुपये बचता है जी। यानी बहुत ठीक ठाक बच रहा है। देखिए दोस्तों आप लोग इनसे कुछ सीख सकते हैं। ये खोया, अच्छा भैया बताइए जैसे कि जो खोया आता है ये कुछ दानादार है, इसमें क्या दिक्कतें हैं? वो लच्छी ले लिया ना, बासी दूध था इसमें थोड़ा। अच्छा बासी दूध था, यानी बासी भी आपके यहाँ चलता है जी। यानी 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 दूध चाहे बासी हो चाहे ताज़ा हो आपके यहाँ सब चल जाता है खोया जी? जी आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं भाई। देखिए दोस्तों आप लोग भी जानकारी ले लीजिए इनके द्वारा। आप इन्होंने बताया कि हाँ यानी 4 किलो दूध में 1 किलो खोया निकलता है, यानी भर्ती इनका बना 120 रुपया, 30-40 पकड़ लीजिए कोयला का, 20 मेहनताना पकड़ लीजिए, तभी आप लोग भी कर सकते हैं। जैसे कि जो भैंस वाले भाई हैं, भैंस डेयरी फार्म खोले हुए हैं यानी डेयरी फार्म जिसका चालू है, उनका तो बहुत ही मुनाफा होगा अगर वो कर सकते हैं तो करिए ज़रूर। अच्छा भाई जी इसमें मुनाफा अच्छा है, जैसे कि कोई अगर भैंस गाय रखे हुए है जी, अगर वो अपना स्वयं चलाया खोया तो उसका कहना उसका उसका भी फायदा होगा, ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा खासा उसका। अच्छा अच्छा यानी आप खरीद कर बनाते हैं जी। और जो पशु रखे हुए हैं ज़्यादा उनको फायदा होगा क्योंकि उनको कुछ करना तो रहेगा नहीं, थोड़ी ना हाँ उनको दूध नहीं खरीदना पड़ेगा भाई। उनका कम से कम किलो पीछे कम से कम बच जाएगा, कम से कम बचेगा उनका 200 रुपये बच जाएगा, 200 रुपया कम से कम। हाँ बस यही कह रहे हैं। अच्छा भाई ये बताइए जैसे ये खोया जो लाल है और जो ये अभी आप दिखाएंगे जैसे खोया पकड़ लिया है जी। ये देखिए आप ये एक ऐसे खोया पकड़ लिया, ये खोया का बोलते आज ज़्यादा तेज हो जाने से पकड़ लेते हैं। अच्छा अच्छा आज ज़्यादा हो गया इसलिए पकड़ लिया खोया, यानी खोया चलाने में कुछ ढुलवाई की, यानी अगर खोया पकड़ने तो कुछ झरसाइन भी मारता है ज़्यादा खोया पकड़ने पर? हाँ झरसाइन मारता है, खोया किसी काम का नहीं रहता है वो। अच्छा 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 यानी ज़्यादा पकड़ ले खोवा तो यानी झरसान भी मारता है। हाँ खोया किसी काम का नहीं बचता है, यानी खोया किसी काम का नहीं बचता है जी। आप बात सही कह रहे हैं भाई, यानी झरसान मारने कोई मिठाई नहीं बन पाएगा, मिठाई नहीं बन पाएगा जी 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 जी। अच्छा इसमें जैसे कि कोई मिलावट भी कर सकते हैं? हमारे यहाँ तो नहीं होता है, बाकी मिलावट करते हैं। अच्छा इसमें इस दूध में मिलावट हो सकता है? हाँ हाँ आप बात सही कह रहे हैं जी जी। आप अपने अच्छी जानकारी दी। देखिए दोस्तों मैं हूँ दिनेश गिरी, आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बहुत से लोग हमारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि आप जरा खोए के बारे में वीडियो बनाएं। देखिए तो देखिए दोस्तों मैंने बहुत ढूंढने के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, जिला गोंडा में हूँ मैं उसमें, यहाँ पे खोया चल रहा था, यानी बहुत ही परेशान होने के बाद मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। आप इसको देख सकते हैं और मैं ये भाई हमको कुछ जानकारी दिए आप लोग इसको, यानी खोया चलाने से घाटा नहीं है। जो भाई पशु रखे हुए हैं, जो चारे ने जो डेयरी फार्म किए हुए हैं, अगर वो अपना खोया चलाएंगे तो उनका ज़्यादा मुनाफा होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा और उनका डेयरी फार्म ज़्यादा आगे बढ़ेगा। अच्छा भैया ऐसे कि आप भट्टी लगाए हैं इसमें कितना कोयला डालना पड़ता है एक यानी एक ट्रिप में? अगर पहले फर्स्ट टाइम अगर कोयला डाले इसमें भट्टी लगाने से पकड़ाते समय तो कम से कम इसमें 3 से 4 किलो कोयला लग जाएगा। यानी जब भट्टी जब शुरुआत में लगाएंगे आप लगाएंगे तब लकड़ी के साथ में? अच्छा लकड़ी भी इसमें डालना पड़ता है? हाँ लकड़ी पहले डालना पड़ता है बाद में कोयला डालना पड़ता है। यानी कम से कम कितना कोयला लग जाता है एक पहले बार में जब भट्टी अगर लगाते हैं तो? अगर हम पहले बार में भट्टी लगाते हैं तो भट्टी में कम से कम 3 से 4 किलो कोयला लग जाता है। यानी 4 से 12 किलो पहले भट्टी में यूज करते हैं, यानी चारों भट्टी में, यानी आप 4 किलो कोयला कम से कम, यानी 4 से 12 किलो कोयला नहीं 4 चौक 16, 4 भट्टी आपके पास है 16 किलो। अच्छा यहाँ पंखा क्यों रखे हुए हैं? पंखे से आज ज़्यादा तेज हो जाता है। अच्छा अच्छा हाँ इसका तापमान बढ़ जाता है, आज ज़्यादा निकलता है और फास बरने लगता है यानी जलने लगता है गैस के लिए। जी 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 जी। अच्छा आप जब खोया गैस से क्यों नहीं बनाते हैं? गैस से भट्टी से ही सही है। अच्छा यानी गैस से ज़्यादा भर्ती लगता है क्या? ज़्यादा लगता है। अच्छा यानी इसमें अगर 30 रुपये लग रहा है तो उसमें कम से कम 60 रुपये लगेगा? 60 रुपये लगेंगे वो आज भी इससे, यानी खोया सफा नहीं बन पाता है उससे हिसाब से आज भी नहीं ले सकते हैं। जी 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 आप बात सही कह रहे हैं भाई। देखिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये देख लीजिए आप, एक छोटा करा है इसको भी देख लीजिए, जो नीचे जो लगा हुआ है चद्दर इसे देखने लायक है क्योंकि बहुत ही मोटा चद्दर है कि जल्दी ये घिस भी नहीं सकता
और ज़्यादा जल्दी मुरझा भी नहीं सकता ये, इसके लिए देखिए आप जी बहुत ही मोटा चादर लगा हुआ है केरा के नीचे, बहुत ही अच्छा व्यवस्था यहाँ पे है। ये देखिए आप लोग, यानी फुल व्यवस्था यहाँ पे है। देखिए जो ये देखिए केरा ये खाली है, इसको भी आप देख सकते हैं। अभी इसमें दूध डाला जाए भाई, जो इसमें दूध कितना डालेंगे आप इसमें, इसमें 4 किलो दूध पड़ेगा। तभी आप दूध डालेंगे जरा, इसको भी दिखाएँ जो हमारे किसान भाई हैं, डेयरी फार्म वाले भी हैं, और इत्यादि जो भी हमारे व्यूअर हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो भी देख सकें। यानी आप 4 बच्चे में कितना आदमी लगते हैं खोज लाने में? 4 बच्चे में कम से कम 2 आदमी चाहिए, लगातार आदमी इसमें भरा रहे, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। देखिए दूध डालने जा रहे हैं ये, जैसे कि भाई आप ये बताइए कि अगर और यही अगर कोई और करना चाहे खोया के बारे में जी, तो उसको आप क्या ज्ञान देना चाहते हैं? कर सकते हैं ना, कोई हार्ड काम भी नहीं है और आसानी से भी कर सकते हैं। ज़्यादा मेहनत इसमें नहीं है ना, मेहनत ही है ना, कोई ज़्यादा भर्ती लगता है? यानी भर्ती कम लगता है, प्रॉफिट ज़्यादा है जी। आप बात सही कह रहे हैं भाई। देखिए दोस्तों ये पंखा आप देख रहे हैं, जो कम खोल रहा है दूध, मेन बात ये पंखा नहीं चला दिए हैं, क्योंकि पंखा के जरिए से भी आवाज़ हमारे पास कम आता, यानी हल्ला गुलाता रहता पंखा के, यानी पंखा भी चल जाएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए आप इसको भी देख सकते हैं, इसको खुरचना पड़ता है, ये खोया जल गया है भाई। जरा आप ये खोया उठाएंगे, आप यहाँ पे सामने लाएंगे 1 मिनट के लिए। देखिए दोस्तों ये हमारे भाई दिखा रहे हैं खोया, बहुत ही अच्छा है खोया, स्वादिष्ट खोया बना हुआ है, यानी खाने के लायक खोया, बहुत ही अच्छा खोया बना हुआ है।